अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस्मान खान काकर, जो कि पश्तून मिली पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, हाल ही में इंतकाल कर चुके हैं और उनका पूरा ख़ानदान शिद्दत गम से निढाल है और सोशल मीडिया सार्फीन में उनकी मौत को लेकर तजाद पाया जाता है कि आया उनका कत्ल किया गया या फिर वो तबई मौत मर गए। तो ये जानने के लिए कि कौन सी सियासी शख्सियत ने उनकी मौत की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है, हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो जी हाँ, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत में पेशी के मौका पर बात करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ का कहना था कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ की मौत पर अगर सवाल उठ गए हैं तो तहकीकात होनी चाहिए। जी हाँ, मरियम नवाज़ नवाज शरीफ की बेटी, जो कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, उन्होंने उस्मान खान काकड़ की मौत की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद अपडेट्स के साथ पेश होंगे अगली वीडियो में। इजाज़त।